ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कल भी हम लोगों ने किया था। मैं जस्ट एक बारी स्टार्ट में जो फॉर्मूलेज हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, कंसिडर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1 एंड M2 लोकेटेड एट पोजीशंस पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2, देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो ये दो पार्टिकल है ना, ये M1 है M2 है, और लेट से ये इनका सेंटर ऑफ मास है। अब ये जो M1 है इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, ठीक है, और जो M2 है उसका पोजीशन वेक्टर R2 है, और जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर R सेंटर ऑफ मास है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा R सेंटर ऑफ मास, दिस विल बी इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो R सेंटर ऑफ मास, अब देखो ये जो ये M1 प्लस M2 को अगर M से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टोटल मास से, तो उस केस में ये R सेंटर ऑफ मास M1 प्लस M2 को M से हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, M1 R1 प्लस M2 R2 बाय टोटल मास M, समेशन ऑफ MIRI बाय टोटल मास M। तो समेशन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ MIRI, I इज इक्वल टू 1 to N तक वेरी कर रहा है, नहीं भी लिखोगे तो उसका मतलब वही होता है, समेशन ऑफ MIRI इज इक्वल टू 1 to N। तुम लोग ये समेशन वाला साइन 9th 10th में जो हम लोग का मैथमेटिक्स में जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, उसमें तुम लोग किए होगे, वही चीज है यहाँ पे। तो समेशन ऑफ MIRI बाय समेशन ऑफ MIR सेंटर ऑफ मास हमारा हो जाता है। अब अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अलग अलग निकालने, ये तो पूरा ही वेक्टर है, अगर हम लोग को अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट इसका और वाई कोऑर्डिनेट निकालना, मान लो M1 जो पोजीशन जहां पे है इसका कोऑर्डिनेट X1 कॉमा Y1 है, M2 जो है इसका कोई पोजीशन उसका जो कोऑर्डिनेट X2 कॉमा Y2 है, और ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका कोऑर्डिनेट X सेंटर ऑफ मास कॉमा Y सेंटर ऑफ मास है। तो अब अगर हम लोग को X सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो दैट विल बी M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। उसी तरह Y सेंटर ऑफ मास निकालना होगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, सो हेंस द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लाइज बिटवीन द टू पार्टिकल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मासेस इज इन इनवर्स रेशियो ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। सो लेट से अगर ये सेंटर ऑफ मास कहीं पे है ना, अब इससे R1 डिस्टेंस पे M1 है और R2 डिस्टेंस पे M2 है, राइट? सो द सेंटर ऑफ मास, कंसिडर टू पार्टिकल सिस्टम M1 एंड M2 एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, देयर सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई इन बिटवीन देम ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, लेट डिस्टेंसेस ऑफ दीज पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास बी R1 एंड R2। मान लो ये जो सेंटर ऑफ मास है M1 से उसका डिस्टेंस R1 है और M2 से उसका डिस्टेंस R2 है, ठीक है। सो अब ये जो कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लाइज बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में कहीं लाई करेगा, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मासेस इज इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल, राइट? तो इसका दैट इज इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल। सो R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू M2 बाय M1, मतलब जिधर मास ज्यादा है ना, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब मास जिधर ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कम होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास विल बी नियरर टू द पार्टिकल विच हैज मोर मास, और जिसका मास कम होगा उससे दूर होगा। मान लो यहाँ पे हमारे पास 2 kg का मास है और एक यहाँ पे 10 kg का मास है,
और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ मास 10 केजी के तरफ ज्यादा होगा, राइट? तो अगर हम लोग इसको आर वन लें और इसको आर टू लें, राइट, और ये एम वन है और ये लेट से एम टू है, तो अब आप देखो कि बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एम सो आर वन बाय आर टू विल बी इक्वल टू एम टू बाय एम वन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू, तो ये भी हमारा क्लियर, ठीक है। सो अगर हम लोग को इससे सेंटर ऑफ मास से इनका डिस्टेंस बताना होता है, तब ये रिलेशन लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसी में अगर आर वन निकालना होगा, आर वन निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में अगर आर है, तो आर वन इज इक्वल टू एम टू आर बाय एम वन प्लस एम टू, मतलब आर वन निकालना है तो एम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, एम टू इंटू आर बाय एम वन प्लस एम टू, और आर टू निकालना है तो उसको एम वन से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा है ना, आर टू इज इक्वल टू एम वन आर बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है। और इफ द टू पार्टिकल हैव द सेम मास, अगर दोनों का मास इक्वल है, तब उस समय सेंटर ऑफ मास जो है उनके मिड पॉइंट पे लाई करेगा, आर वन प्लस आर टू बाई टू पे लाई करेगा। सो फॉर टू सिस्टम पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस द सेंटर ऑफ मास लाई एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम, 5-5 केजी का मान लो है, 5 केजी और ये 5 केजी, और इनके बीच में टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये 5 केजी है और ये भी 5 केजी है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडवे लाई करेगा, मतलब 5 सेंटीमीटर पे लाई करेगा, इधर से भी 5 सेंटीमीटर और इधर से भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर m1 m2 बराबर नहीं है, तब सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द पार्टिकल ऑफ लार्जर मास, वो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिसका मास ज्यादा उसके तरफ सेंटर ऑफ मास लाई करता है, क्योंकि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, m ज्यादा तो r कम, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द पार्टिकल ऑफ लार्जर मास, क्लियर बच्चों? यस सर। Now example 8.1. So two bodies of masses 1 kg and 2 kg are located at 1, 2 and minus 1, 3 respectively. दो object है, ठीक है, इसका mass 1 kg है, इसका मास 2 केजी है, ये लोकेटेड है 1,2 पे, ये लोकेटेड है -1,3 पे। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, मान लो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x,y है, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला याद है हम लोग को, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था। अब 1 इंटू x1 क्या है, 1 है, तो 1 into 1 plus m2 x2 2 into minus 1 divided by m1 plus m2 1 plus 2 1 minus 2 by 3, तो ये क्या हो जाएगा, minus 1 by 3। उसी तरह y center of mass, center of mass का जो y coordinate है, this is m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2 1 into 2 plus 2 into 3 divided by 1 plus 2, 2 plus 6 by 3, 8 by 3, तो जो center of mass है उसका जो coordinate होगा -1/3, 8/3 हो जाएगा, clear है बच्चों? Yes sir, yes। नेक्स्ट पे चलते हैं।
There are two particles of masses 1 kg and 2 kg are located at x is equal to 0 and x is equal to 3. Find the position of their center of mass. So, मान लो coordinate system है, यहाँ पे x is equal to 0 पे mass 1 kg है और x is equal to 3 meter पे तुम्हारा mass 2 kg है. ये m2 हो गया, m1 हो गया. मान लो बिकॉज ये मास ज्यादा है तो इसके तरफ सेंटर ऑफ मास होगा. मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है. अब इसको हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं. जो एक्स कोऑर्डिनेट वाला, मान लो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, एक्स कॉमा जीरो हो गया इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट. तो एक्स सेंटर ऑफ मास इज एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो गया. m1 x1 मतलब 1 इंटू 0, x1 कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट है m1 का 1 इंटू 0 हो गया, प्लस ऑफ m2 x2 मतलब 2 इंटू 3 है ना, इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, ये कोऑर्डिनेट इसका देखोगे तो 3 कॉमा 0 हो जाएगा, 3 कॉमा 0. इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखोगे ओरिजिन का 0 कॉमा 0 होगा. So 2 into 3 divided by m1 plus m2, 1 plus 2 हो गया. So this is 6 by 3 which is equal to 2. So x center of mass 2 हो गया, ठीक है. तो इसका मतलब जो center of mass का coordinate, find the position, x is equal to 2 meter हो गया इसका position. इसको निकालने का एक और तरीका है, ठीक है, कि मान लो ये यहाँ पे ठीक है, ये 3 meter, ये जो टोटल डिस्टेंस है इनके बीच में ये 3 meter है. मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो ये जो डिस्टेंस होगा 3 माइनस x होगा, ये 2 kg है, 1 kg. 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू होता है 2 इंटू 3 माइनस एक्स. हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू. सेंटर ऑफ मास से जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है, आर वन होता है और इसको आर टू लेते हैं, ठीक है. और ये अगर मास एम वन है और ये मास एम टू है, तो m1 into r1 is equal to m2 into r2, वो वाला रिलेशन सॉल्व कर लेंगे. x is equal to 6 minus 2x, तो ये 3x is equal to 6, तो x is equal to 2. तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है. क्लियर है बच्चों? यस सर. ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका फटाफट. सर 10 आ रहा है.
बिल्कुल 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आंसर, एकदम सही आंसर। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है यहां से, टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 1.5 ग्राम एंड 2.5 ग्राम आर एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर अपार्ट। द सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.5 ग्राम। यहां से इसका डिस्टेंस एक्स बता रखा है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये जो होगा ये वैल्यू 16 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ सेंटर ऑफ मास है, हमें पता है m1 into r1 is equal to m2 into r2, 1.5 into x is equal to 2.5 into 16 minus x। इनको kg में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ ग्राम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको हम लोग कर सकते हैं 1.5x, 2.5 into 16 करोगे तो 40 हो जाएगा, माइनस 2.5x उधर लेके जाएंगे, 4x is equal to 40 और x is equal to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया दो पार्टिकल सिस्टम का। अब थोड़ा सा इसको और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब देखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तब क्या होगा। सो इफ वी हैव अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 mn, तो हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, राइट, विथ r1 r2 rn इसका पोजीशन वेक्टर्स है, एज देयर पोजीशन वेक्टर्स एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। द पोजीशन वेक्टर rcm ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एट दैट इंस्टेंस इज गिवन बाय, so position vector of center of mass is m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 up to mn rn by m1 plus m2 plus। तो देखो यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ, मतलब ये सब वेक्टर्स r1 r2 rn, इसको अगर हम लोग समेशन साइन से यूज करें तो समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, समेशन ऑफ mi मान लो पूरा मास जो है ना सब मिला के m है, तो R सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पहले भी किए हैं, तो R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 MN RN हो गया, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू एम एन हो गया। ठीक है, समेशन साइन से इसको इसी को रिप्रेजेंट करें, आर सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ एम आई आर आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई। तो समेशन ऑफ एम आई को पूरा सम जो है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ एम आई आर आई इज कॉल्ड द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द मास। अब अगर इसको x, y, z कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो x सेंटर ऑफ मास जो है दिस इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 m3 x3 mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ठीक है, तो मतलब समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi हो गया। तो x सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi xi बाय कैपिटल m, उसी तरह y सेंटर ऑफ मास समेशन ऑफ mi yi बाय कैपिटल m, और z सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ एम आई जेड आई बाय कैपिटल एम। ठीक है, सो x सेंटर ऑफ मास m1 x1 m2 x2 xn तक जाएंगे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 mn तक आएंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। अब देखो द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ थ्री पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 आर,
तीन पार्टिकल है, उनका पोजीशन वेक्टर अलग अलग दे रखा है, आर वन दे रखा है तुम्हें, आर टू दे रखा है, आर थ्री दे रखा है, एम वन एम टू और एम थ्री का वैल्यूज दे रखा है. फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एम वन आर वन वेक्टर, एम टू आर टू वेक्टर, एम थ्री आर थ्री वेक्टर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. आर सेंटर ऑफ मास इज एम वन मतलब वन के जी, वन इंटू आर वन वेक्टर, आई प्लस फोर जे प्लस के, प्लस एम टू मतलब टू के जी, आर टू वेक्टर, आई प्लस जे प्लस के, और एम थ्री हमारा थ्री के जी है, थ्री इंटू टू आई माइनस जे माइनस टू के. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आई प्लस फोर जे प्लस के, टू आई प्लस टू जे प्लस टू के, सिक्स आई माइनस थ्री जे माइनस सिक्स के. So, ये i प्लस टू आई प्लस सिक्स आई नाइन आई हो गया, फोर जे प्लस टू जे माइनस थ्री जे, सिक्स माइनस थ्री थ्री जे हो गया, और k प्लस टू के, थ्री के माइनस सिक्स के माइनस थ्री के हो गया. सो नाइन आई प्लस, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नाइन आई प्लस थ्री जे माइनस ऑफ थ्री के. डिवाइडेड बाय, अच्छा ये हम लोग नीचे डिनोमिनेटर वाला भूल गए, डिवाइडेड बाय ये वन प्लस टू प्लस थ्री तो सिक्स हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय सिक्स और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय सिक्स. ठीक है, थ्री कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा थ्री आई प्लस जे माइनस के डिवाइडेड बाय. क्लियर है बच्चों? यस सर. अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं, मतलब स्क्वायर पे पार्टिकल है या फिर ट्राइंगल में पार्टिकल है. फोर पार्टिकल्स ऑफ मासेस वन टू थ्री एंड फोर आर प्लेस्ड एट द फोर वर्टिसेस ए बी सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड वन मीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल. चार पार्टिकल्स हैं, हम लोग इसका x कोऑर्डिनेट इसके अलोंग और y कोऑर्डिनेट इसके अलोंग ले लेते हैं, x इधर और y इधर. अब ये जो अलग अलग मासेस हैं, m1 हो गया, m2 हो गया, m3 हो गया और m4 हो गया. m1 का वैल्यू है 1 kg, m2 का वैल्यू है 2 kg, m3 है हमारा 3 kg और m4 हो गया 4 kg. अब ये सारे 1 मीटर के डिस्टेंस पे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0 क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये हो जाएगा 1, 1 और ये हो जाएगा 0, 1. जब चारों का कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर था, तो अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग को निकालना है. देखो यहाँ पे बिकॉज सारे मासेस अलग अलग है तो सेंटर पे नहीं होगा, कहीं और होगा. अगर चारों मासेस इक्वल होता तब इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे होता. तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स फोर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर. सो दिस इज इक्वल टू
m1 मतलब 1 into 0 plus 2 into 1, 3 into 1, 4 into 0 divided by 1 plus 2 plus 3 plus 4. तो 1 into 0 तो 0 ही हो जाएगा, 2, 0 plus 2 plus 3 plus 4 by 10, sorry. So this is 5 by 10, which is equal to 0.5. Y center of mass हम लोग को निकालना है. So this is equal to m1 y1, m2 y2, m3 y3 plus m4 y4 divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4. m1 y1 मतलब 1 into 0 plus 2 into 0 plus 3 into 1 plus 4 into 1 divided by 10. So this is 0 plus 0 plus 3 plus 4 by 10, 7 by 10 मतलब 0.7 हो जाएगा. तो इसका कोऑर्डिनेट अगर सेंटर ऑफ मास का निकालना है 0.5, 0.7 हो जाएगा. ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट. क्लियर है बच्चों? यस नेक्स्ट क्वेश्चन में यही ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. तो इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, थ्री पॉइंट मासेस m1, m2 एंड m3 आर केप्ट एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है, तुम जैसे भी इसका चूज करोगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, वैसा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा तुमको. तो यहां पे मान लो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा चूज करते हैं, इसके अलोंग एक्स ले लेते हैं और इसके अलोंग वाई ले लेते हैं, सॉरी इसके अलोंग एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ये एम वन हो गया 2 kg, एम टू हो गया 4 kg, m3 हो गया 6 kg. m1 का कोऑर्डिनेट 0,0 सिंपल है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर. m2 का कोऑर्डिनेट 1,0. हमें पता है जो एल्टीट्यूड का लेंथ क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, किसी को याद है? रूट थ्री बाई टू इंटू साइड. जब एरिया निकालते हैं तब रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करोगे ना तो रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया के समय. इसका जो हाइट है दिस इज रूट थ्री बाय टू इंटू ए, मतलब 1 है तो रूट थ्री बाय दिस इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू हो गया. तो इसका कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो हाफ पे होता है, ये जो डिस्टेंस है ये मिड पॉइंट पे होगा, मतलब 1/2. तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 1/2, वाई कोऑर्डिनेट रूट थ्री बाय टू. थर्ड वाले का कोऑर्डिनेट कैसे निकला सबको पता चल गया? यस सर. यस सर. ठीक है, अब लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग को निकालना है. एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. एम वन एक्स वन क्या है, 2 × 0 हो गया, एम टू एक्स टू मतलब 4 × 1 हो गया और एम थ्री एक्स थ्री मतलब 6 × 1/2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 kg प्लस 4 kg प्लस 6 kg. सो एक्स सेंटर ऑफ मास इज 0 + 4, 6/2, 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 10, 7/10, 0.7 हो गया.
सॉरी चीज है दस बार सेवन में ट्वेल्व होगा ना हाँ ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व सेवन बाय ट्वेल्व हो गया वाई सेंटर ऑफ मास इज एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री ये हमारा टू इंटू जीरो फोर इंटू जीरो सिक्स इंटू रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय टू प्लस फोर प्लस सिक्स सो दिस इज थ्री रूट थ्री बाय ट्वेल्व या रूट थ्री बाय फोर हो जाएगा ठीक है तो जो इसका कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का सेवन बाय ट्वेल्व कॉमा रूट थ्री बाय फोर क्लियर है यस सर यस सर यस सर ये उसी तरीके का क्वेश्चन है ठीक है ये होमवर्क के फॉर्म में कर लेना है इसको यहाँ पे भी इसको भी तुम होमवर्क के फॉर्म में कर लेना ना ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जल्दी से सो कंसिडर टू पार्टिकल्स सो कंसिडर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l एज शोन इन द फिगर लेट अस एज्यूम दैट m1 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड m2 इज प्लेस्ड एट l, 0 एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 एंड m2 इज r1 r2 तो x सेंटर ऑफ मास विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 m1 प्लस m2 तो इससे हमारा ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो R1 निकालना होता है तो M2 into मतलब इसका मास से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल को M2 L by M1 plus M2 और अगर R2 निकालना होता है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं M1 L into M1 L divided by M1 plus M2 सो इससे फ्रॉम इक्वेशन हम लोग को ये आता है कि M1 R1 is equal to M2 R2 होता है ये भी हम लोगों ने कर रखा है ठीक है ना तो सिमिलरली इफ आर वन इज ग्रेटर देन आर टू सिमिलरली आर वन इज ग्रेटर देन आर टू इफ एम वन इज लेस देन एम टू ठीक है सो उसी तरह आर वन इज लेस देन आर टू इफ एम टू इज ग्रेटर देन एम वन दैट इज सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द पार्टिकल हैविंग लार्जर मास नाउ इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू तब एल बाई टू पे हो जाएगा एम वन एम टू जब होता है तो सेंटर ऑफ मास लाइज मिडवे बिटवीन द टू पार्टिकल So center of mass of two particle always lies on the line joining the center of mass of two particle system. Important ये है कि shifting of particles without shifting center of mass ये concept हम बताना चाह रहे थे तुम्हें तो यहाँ पे जैसे center of mass का जो formula होता है m1 r1 m2 r2 mn rn divided by m1 plus m2 plus mn if m1 m2 mn are displaced such that delta r1 तो अगर हम लोग सबको डिस्प्लेस करते हैं M1 को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं M2 को भी डिस्प्लेस करते हैं Mn को भी डिस्प्लेस करते हैं तो सभी को जो डिस्प्लेस करेंगे मान लो सबका जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R1 डेल्टा R2 और डेल्टा Rn है अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तो सेंटर ऑफ मास कितने से डिस्प्लेस करेगा वो अगर हमें निकालना है तो वो भी इसी फॉर्मूला से आता है डेल्टा आर सी एम इज एम वन डेल्टा आर वन प्लस एम टू डेल्टा आर टू प्लस एम एन डेल्टा आर एन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस Mn. So shift in position of center of mass is equal to M1 into shift in position of R1, position of M1
plus m2 into shift in position of r2, that is delta r2, plus m3 into shift of position in r3, that is m3 delta r3, and so on. For two particle system, so for two particle system, m1 delta r1 plus m2 delta r2 is equal to zero. Two particle system ke liye, matlab m1 delta r1 is equal to minus of m2 delta r2. Right. So particle should be displaced in anti-parallel directions. Matlab ek ko agar hum log मान लो ये है दो पार्टिकल, यहां सेंटर ऑफ मास इसका लाई कर रहा है, तो अगर इसको एक को इधर शिफ्ट करोगे तो दूसरे को उसके उल्टे डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, इसीलिए नेगेटिव साइन आ रहा है कि m1 डेल्टा r1, इसमें डेल्टा r1 इधर है तो ये डेल्टा r2 का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा इसके, तो अगर डेल्टा r1 मान लो नेगेटिव है तो डेल्टा r2 पॉजिटिव होगा, क्लियर है? अगर डेल्टा आर वन पॉजिटिव होता तो डेल्टा आर टू को नेगेटिव होना होता, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर एम वन एम टू से अवे जाएगा तो एम टू को भी एम वन से अवे जाना पड़ेगा, एम वन एम टू के तरफ जा रहा होगा तो एम टू को भी एम वन के तरफ आना पड़ेगा। सो पार्टिकल शुड बी डिस्प्लेस्ड इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन टू मेंटेन द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पॉइंट, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट, उसके लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? यस सर। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है two particles of masses 2 kg and 4 kg lie on the same line, 2 kg on the left and 4 kg on the right, ठीक है? यहाँ पे 2 kg का मास है और दूसरा मास 4 kg का है। If 4 kg is displaced rightward by 5 meter, ये इधर 5 meter गया, ठीक है? 4 kg वाले को डिस्प्लेस किया हमने 5 मीटर से राइट के तरफ, देन बाय व्हाट डिस्टेंस 2 kg शुड बी मूव्ड फॉर विच सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। मान लो 2 kg वाले को हम लोग को लेफ्टवर्ड्स मूव करना पड़ेगा अगर सेंटर ऑफ मास इसका सेम रहना, मान लो ये डेल्टा r1 से शिफ्ट कर रहे हैं इसको, सो m1 डेल्टा r1, सेंटर ऑफ मास को सेम रखना है, m2 डेल्टा r2 इज इक्वल टू जीरो। अगर बस मैग्नीट्यूड तुमको जानना है, डायरेक्शन नहीं जानना है, तो सीधे तुम ये कर लो, m1 डेल्टा r1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा r2 हो जाए। अगर हम मैग्नीट्यूड की बस बात कर रहे हैं डेल्टा r1 के, तो मास m1 2 kg है, डेल्टा r1 हम लोग को निकालना है, m2 5 kg है, सॉरी 4 kg है, और डेल्टा r2 5 मीटर है। सो डेल्टा r1 जो होगा दिस इज 20/2 which is equal to 10 meter. तो तुमको इसको 10 meter से move करना पड़ेगा, है ना? और opposite direction में move करना पड़ेगा। 5 meter अगर right side में है, 10 meter उसके left side में उसको move करना पड़ेगा, ठीक है? Clear बच्चों? Yes, sir. तो अगर अब हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना और कॉन्सेप्ट हमको पता है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि m1 डेल्टा r1 को m2 डेल्टा r2 से इक्वेट करके जीरो कर दो। अदरवाइज m into, जो एक्चुअल तरीका होना चाहिए, m into डेल्टा r cm, है ना? मतलब टोटल मास जो है इसका, राइट? तो जो इसको ऐसे m1 plus m2 into delta r cm is m1 delta r1 plus m2 delta r2 होना चाहिए। अब delta r cm यहाँ पे कह रहा है zero, remain at the same position, center of mass remain at the same position, ये zero होना है, तो ये zero is equal to m1 delta r1 plus of m2 delta r2
इसको इधर लेके चले जाएंगे. सो एम वन डेल्टा आर वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम टू डेल्टा आर टू. सो दिस इज टू इंटू डेल्टा आर वन इज माइनस ऑफ फोर इंटू प्लस ऑफ फाइव. सो डेल्टा आर वन इज माइनस 20 बाय टू, दैट इज माइनस 10 सेंटीमीटर. तो इससे अवे जाना पड़ेगा. तो ये कर सकते हो. अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो सीधा तुम एम वन डेल्टा आर वन इज इक्वल टू एम टू डेल्टा आर टू करके सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब यहाँ पे देखो, मैंने पिछले क्लास में एक ये भी बताया था कि जो वेलोसिटी, तो हम लोगों ने तीन चीज किया था. एक तो पोजीशन वेक्टर के लिए किया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री एंड सो ऑन, ऐड करते जाएंगे एम एन आर एन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री अप टू एम एन. उसी तरह हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए भी किया था, एम वन वी वन. इसको मतलब डिफ्रेंसिएट कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री एम एन वी एन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम एन. उसी तरह इसको फिर से डिफ्रेंसिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू एम थ्री ए थ्री एम एन ए एन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस ऑफ एम एन. तो ये तीन फॉर्मूले हमको ध्यान में रखना. अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को लेके करेंगे कुछ क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पार्टिकल ऑफ मास 1 केजी एंड 0.5 केजी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, सेम डायरेक्शन मतलब दोनों का वेलोसिटी अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव ही लिखेंगे. मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा, मान लो ये एम वन है 1 kg का, वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. दूसरा पार्टिकल m2 है, ये 0.5 kg का है और इसका जो स्पीड है v2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नाउ ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हम लोग को निकालना है. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू. दो ही ऑब्जेक्ट है तो दो के लिए ही लिखेंगे एम वन प्लस एम टू. एम वन वी वन इज वन इंटू टू प्लस 0.5 इंटू सिक्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में इसीलिए दोनों को पॉजिटिव ही ले रहा है. डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, वन प्लस 0.5, टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाय 1.5, फाइव डिवाइडेड बाय 1.5, 50/15, 10/3, दैट इज 3.33 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है बच्चों? Yes. Yes,
Next question is, two particles of mass 2 kg and 4 kg are approaching towards each other with acceleration 1 meter per second square and 2 meter per second square. So, देखो, दो पार्टिकल है, M1 is 2 kg, M2 is 4 kg, approaching towards each other with acceleration, इसका acceleration plus 1 meter per second square, इसका acceleration minus 2 meter per second square, ये ए वन हो गया और ये ए टू हो गया. ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एम वन ए वन, एम टू ए टू, एम वन प्लस एम टू. एम वन ए वन मतलब टू इंटू वन, फोर इंटू माइनस टू divided by 2 plus 4, 3 minus 8 by 6, minus 5 by 6. एक मिनट, M1 2 plus 4 6 है, 2 minus 8, minus 6 by 6, which is equal to minus 1 meter per second square. तो सेंटर ऑफ मास क्या है हमारा, नेगेटिव, मतलब सेंटर ऑफ मास M1 के तरफ मूव कर रहा है. क्लियर है? यस सर. Sixth question is, two blocks of masses M1 and M2 are connected by a light inextensible string passing over a smooth fixed pulley of negligible mass. Find the acceleration of the center of mass of the system when blocks move under gravity. तो ये M1G हो गया और ये हमारा M2G हो गया, right? Two blocks of masses M1 and M2 are connected बाय लाइट. अब देखो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो यहाँ एम वन जी नीचे और टेंशन टी ऊपर, और यहाँ पे टेंशन टी इधर और एम टू जी नीचे. सो बेसिकली मास एम वन नीचे जा रहा है, मतलब हम लोग फोर्स लिखेंगे एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, और दूसरा लिखेंगे टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए, राइट. इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देंगे. सो एम वन माइनस एम टू इंटू जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए, राइट. तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू इंटू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू. अब इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है. हम लोग को सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है कि क्या होगा. तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू, एम वन प्लस एम टू. सो देखो ए को पॉजिटिव मानते हैं, मतलब एम वन जो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, तो ये एम वन ए माइनस एम टू ए ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे, डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू. सो एम वन माइनस एम टू बाय एम वन प्लस एम टू, एम वन माइनस एम टू बाय एम वन प्लस एम टू इंटू जी.
m1 minus m2 का होल स्क्वायर m1 plus m2 का होल स्क्वायर इनटू जी. सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. Now position of center of mass of continuous bodies. Continuous bodies मतलब देखो अभी हम लोग जो जितना भी body देखे center of mass वो discrete particles थे, अलग अलग mass के particles थे, है ना. Point masses अलग अलग जगह पे थे, उनका हम लोग center of mass निकाल रहे थे. अब अगर ये continuous body है ना, तो continuous body का center of mass निकालने के लिए जहां पे summation था उस summation के जगह अब हम integration sign दे देंगे. मतलब कि पहले जो मासेस था m1 m2 m3 इस तरह से था, हम लोग जो डिस्क्रीट पार्टिकल में x सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi इनटू xi बाय समेशन ऑफ mi कर रहे थे. मतलब हर पार्टिकल का मास mi और उसका पोजीशन xi, ठीक है, और ठीक है, तो पोजीशन जो है उसका xi, राइट, और मास mi हम लोग मान रहे थे उस डिस्क्रीट पार्टिकल का. अगर यही कंटिन्यूअस मास बॉडी में लिखेंगे तो छोटा पार्टिकल का मास कितना होता है, dm होता है, और उसका पोजीशन मान लो x डिस्टेंस पे है, तो x dm का इंटीग्रेशन, x इंटू dm का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dm का इंटीग्रेशन, dm का इंटीग्रेशन टोटल मास देगा, और x इंटू डीएम मतलब उस डीएम वाले का पोजीशन जो है वो x इंटू मास डीएम का इंटीग्रेशन. तो ये हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दे देता है x कोऑर्डिनेट. तो x कोऑर्डिनेट x डीएम बाय डीएम हो गया, y सेंटर ऑफ मास y डीएम बाय डीएम हो जाएगा, और z सेंटर ऑफ मास हमारा z डीएम अपॉन डीएम हो जाता. So where m is total mass of that real body. So if we choose the origin of coordinate axis, so origin of coordinate axis at center of mass, तब x dm, y dm, z dm ये सब सब zero हो जाएंगे. अगर center of mass को हम origin पे मानते हैं, एक example करेंगे आपको ज़्यादा clear होगा. The linear density of a thin rod of length 1 meter varies as, तो हमारे पास एक रॉड है, इसका टोटल लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, अब एक्स डिस्टेंस पे अगर एक छोटा सा, मतलब हम लोग यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स विड्थ का एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, इस डीएक्स विड्थ का जो एलिमेंट का जो मास है लेट्स से डीएम, तो वो जो मास डीएम होगा, मास पर यूनिट लेंथ तुमको ये दे रखा है, मास का लीनियर डेंसिटी, मतलब मास लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लीनियर डेंसिटी लैम्डा, राइट, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, सो लीनियर डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, सो डीएम विल बी इक्वल टू जो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इनटू डीएक्स हो जाएगा डीएम, है ना, लीनियर डेंसिटी लैम्डा है इनटू डीएक्स कर देंगे तो उसका मास डीएम निकल जाएगा. सो इसका मतलब डीएम इज इक्वल टू लैम्डा क्या दे रखा है, 1 + 2x इनटू डीएक्स हो गया. क्लियर है बच्चों? अब हमें पता है जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है, दिस इज इक्वल टू एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और भाई इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, लिमिट हम लोग लेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर तक. इसको रिप्लेस कर लेते हैं, अब हम लोग x dm मतलब x into 1 + 2x into dx का इंटीग्रल 0 से लेके 1 तक,
divided by dm, matlab 1 plus 2x. So 1 plus 2x into dx entire integral 0 se 1. So x center of mass, अंदर लेके चले जाते हैं, ये x into 1 x हो जाएगा, plus of 2x square dx का integral 0 से 1 divided by 1 plus 2x का integral 0 से 1 तक. So x का integration होता है x square by 2, 2x square का 2x cube by 3 हो जाएगा, x square का x cube by 3, 2 common है, constant है, बाहर ही रहेगा, लिमिट इसमें 0 से 1 डालेंगे, डिवाइडेड बाय 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1 into dx का इंटीग्रेशन x, और 2x dx का इंटीग्रेशन 2x square by 2 हो गया, इसका भी लिमिट हम लोग 0 से लेके 1 तक डाल देंगे. So x center of mass is equal to, अब values put कर लो, upper limit डालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 by 2 plus 2 by 3, minus lower limit 0 होगा, उसको वैसे ही छोड़ देंगे. यहाँ पे 1 plus 2x square by 2, ये 2 2 cancel हो गया, 1 plus 1 square. So 1 by 2 plus 2 by 3, LCM अगर 6 लेते हैं, 3 plus 4, 7 by 6, divided by 2, तो 7 by 12 हो जाएगा. Clear है बच्चों? तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x सेंटर ऑफ मास का 7 बाई 12 मीटर हो जाएगा. ये फटाफट खुद से कीजिए, करके बताइए इसका आंसर. वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने किया है. अभी जो लीनियर मास डेंसिटी वाला कर रहे थे, मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है ax, उस हिसाब से करना है. जाएगा दूध है वहां पे जाओ. हुआ बच्चों? नहीं हुआ. सो स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ एल हैज वन ऑफ इट्स एंड एट द ओरिजिन एंड अदर एट एक्स इज इक्वल टू एल. तो ये रॉड है हमारा, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया. स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ l हैज वन ऑफ इट्स एंड एट द ओरिजिन 0,0, अदर एंड एट x इज इक्वल टू l, ये l,0. इफ द मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है,
तो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम लोग को निकालना है, तो देखो ये है मास पर यूनिट लेंथ एम बाय एल, टोटल मास एम बाय एल इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स हो गया, राइट। सो एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्स डीएम डिवाइडेड बाय डीएम, एक्स डीएम, डीएम क्या हो जाएगा, डीएम इज इक्वल टू लैम्डा इन टू डी एक्स, हम लोग एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स विड्थ का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं। सो लैम्डा इन टू डी एक्स हो गया, लैम्डा है हमारा ए एक्स डी एक्स, ये डीएम हो गया। सो एक्स इन टू ए एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से एल तक कर लेंगे, डिवाइडेड बाय ए एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू एल। सो दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो टू एल डिवाइडेड बाय ए एक्स डी एक्स जीरो टू एल। सो ए एक्स क्यूब बाय थ्री, ए एक्स स्क्वायर बाय टू, सो विच इज इक्वल टू एक्स का जगह एल कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ए एल क्यूब बाय थ्री डिवाइडेड बाय ए एल स्क्वायर बाय टू। ए और ए कैंसिल हो गया और एल स्क्वायर से इसको एल कैंसिल किए, एल बस बचा। सो इसको ये टू ऊपर चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू टू एल बाय थ्री। तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टू एल बाय थ्री सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये तो होना चाहिए था तुम लोग से। खैर एनीवे, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, कंटिन्यूअस मास थोड़ा सा और हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास के पोजीशन के चेंज को करेंगे। तो कल मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ मास, मतलब नेक्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कोलिजन पे आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोलिजन पे, ठीक है बच्चों? चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन।